लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे फ्रैंकलिन और उसकी टीम ने लावा गॉड को ढूंढने के लिए डिजी स्कैनर की हेल्प ली। उसके बाद वो पहुंच गए एक पहाड़ के ऊपर जहां पे उन्हें लावा गॉड दिख गया। लावा गॉड से उन्हें उनका डॉग वापस चाहिए था। इसके बारे में पूछते ही उसने उनके डॉग को वापस दे दिया और इतनी आसानी से इन्होंने सोचा नहीं था कि उनका डॉग मिलेगा। लेकिन इसी बीच इन्हें पता चलता है कि इसके बदले उसने हल्क को किडनैप कर लिया। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। अरे भाई शिनचैन, हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा इससे पहले कि वो लावा गॉड हमारे हल्क के साथ कुछ गड़बड़ करे। अरे फ्रैंकलिन भैया, मेरे को तो लग रहा है यार अब तक वो शायद लावा गॉड उस हल्क को खत्म कर चुका होगा। और आ भाई कलवे, प्लीज यार हल्क को बचा ले यार। अरे हाँ गाइस, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। ये देखो गाइस, पूरे लॉस सैंटोस में सुबह से ही बहुत ही खतरनाक वाली बिजली कड़क रही है और भाई बारिश हो रही है। अरे शिनचैन, आयरन मैन, चॉप और साथ में गाइस हमारे साथ है डॉक्टर स्ट्रेंज, तो भाई ये लोग कुछ आइडिया देंगे। अरे नहीं, मेरे को यार कुछ भी आइडिया नहीं सूझ रहा। अरे तुम मेरे से आइडिया मांगना चाहते हो फ्रैंकलिन? अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर कोई आइडिया है तो तुम लोग सोचो। अरे यार मैं आइडिया दूं क्या? अरे आयरन मैन, मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को ना एक बार देख के आना चाहिए। मतलब तू एक काम कर, तू अपने जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह की मदद से जाके पता लगा। अरे तुम मेरे से पूछो, मैं एक काम करता हूँ, अपनी जादुई शक्तियों से गायब हो जाता हूँ। अरे नहीं, ये कहाँ चला गया? अरे भाई सही बात है यार, वेट, ये कहाँ चला गया? अरे छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन भैया, आप ही ने उनको गायब किया, आप ही ने भगाया उन्हें। अरे भाई सही बात है। अरे एक सेकंड यार शिनचैन, तू ऊपर देख भाई, तू मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा ऊपर चला गया। अरे नहीं यार, ये ऊपर क्यों चले गए? हमारा हल्क गायब है और ये देखो मजे कर रहे हैं। अरे मैं मजे नहीं कर रहा, मैं अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस हल्क को ढूंढ रहा हूँ और उस लावा गॉड का पता लगा रहा हूँ। अरे यार तो प्लीज जल्दी से पता लगा लो यार डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल। ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं ना डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल की ना फोटो खींच के इनकी ना फोटो वायरल करूंगा। ये देखो हवा में कैसे उड़ रहे हैं, ओ माय गॉड कितना मजा आ रहा है। ओ भाई साहब सही में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जादूगर है। अरे डॉक्टर अंकल जी, मैंने आपकी फोटो खींच ली है। अरे ठीक है शिनचैन, तुम अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो फोटो, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ना डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल की। अरे हाँ फोटो तो बहुत अच्छी है, लेकिन शिनचैन तू भूल मत कि हम लोगों को भाई अपने काम से मतलब होना चाहिए। अरे हाँ बात तो सही है यार, हमें हल्क को ढूंढना। चलो गाइस फोटो वोटो रखते हैं साइड में और फटाफट से यार हम एक काम करते हैं, हल्क को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे यार तुम लोग बोलो तो मैं ही जाके ढूंढ के आऊँ। अरे नहीं यार तुम रहने दो, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल ढूंढेंगे ना। मैं पता लगा रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे को लोकेशन मिल रही है। अब मेरे को पता चल गया है कि वो हल्क कहाँ है और वो लावा गॉड की लोकेशन क्या है। अरे क्या बात कर रहा है, तेरे को सही में पता चल गई? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मेरे को पता चल गई है। अरे वाह यार, अब तो लगता है हमारा हल्क भी मिल जाएगा और उस लावा गॉड की हम लोग बैंड भी बजा देंगे। अरे लेकिन यार लास्ट टाइम तो पता है कुछ गड़बड़ हो गया था ना? अरे हाँ बात तो सही है यार, लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा भयंकर वाली गड़बड़ हो गई थी। अरे तुम लोग शांत रहो, मेरे को यार कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं। अरे मेरे पीछे वो लावा गॉड आ चुका है। अरे नहीं ये क्या हुआ, ये देखो फ्रैंकलिन भैया लावा गॉड तो आ गया पीछे। और भाई मेरे ख्याल से यार उसको पता चल गया होगा कि कोई ना कोई जादू वादू कर रहा है। हाँ यार सही बात है गाइस, ये देखो ये लावा गॉड का बच्चा तो हमारे शहर में आ गया। अरे यार तू बोल तो फ्रैंकलिन, मैं जाऊँ उसका मुंह तोड़ दूँ। अरे नहीं भाई तू रहने दे, वेट, या फिर तू जाके देख भी सकता है आयरन मैन। अरे फ्रैंकलिन भैया एक सेकंड, वो कहाँ चला गया? अरे यार एक सेकंड, ये तो अभी ऊपर थे ना ये डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल, ये नीचे चले गए? पता नहीं यार ये स्विमिंग पूल के अंदर क्या कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल डर गए और लावा गॉड से छुप रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। अरे मैं कभी नहीं डरता, मैं उस लोकेशन को पक्का कर रहा हूँ कि वो हल्क कहाँ छुपा हुआ है। अरे छुपा नहीं है, इस लावा गॉड ने ही हल्क को कहीं ना कहीं छुपा दिया है। अरे हाँ बात तो सही है। अरे आयरन मैन तू एक काम कर, तू जा लावा गॉड के पास और भाई उससे पूछ क्या कि लोकेशन क्या है, मतलब उसने कौन सी लोकेशन पे हमारे हल्क को छुपाया। ठीक है तुम बोलो तो मैं अभी चले जाऊँ। अरे हाँ हाँ अभी जा। ठीक है चलो गाइस चलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि ये लावा गॉड का बच्चा हमारे हल्क को कहाँ छुपा के रखने वाला है। अरे नहीं वो ऑलरेडी रख चुका है, तेरे को पता लगा कि उसने कहां छुपाया है। ठीक है मैं पता लगा के आता हूं। चलो, ओ माय गॉड खतरनाक बारिश हो रही है, लेकिन मैं इन बारिशों से डरता नहीं, मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। चलो फटाफट से फुल स्पीड में जार्विस मेरे को उसके पास पहुंचा दे। अरे फ्रैंकलिन भैया कहीं ऐसा ना हो कि वो आयरन मैन को भी किडनैप कर ले। अरे तू चिंता मत कर यार, हमारा आयरन मैन ना सही में बहुत लाजवाब है, उसके पास खतरनाक वाला सूट है, उससे तो वो बच ही जाएगा। अरे वाह मैं तो पहुंच गया इस लावा गॉड के पास, लगता है अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। कौन आ गया मेरे पास? अरे एक्चुअली मैं आयरन मैन, पीछे मुड़ के देख। देख तो जरा। अरे देख ना भाई तू कब से उधर मुंह घुमा के खड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि तू जिंदा भी है या फिर तू नकली है, कोई बहरूपिया तो नहीं? रुक जा अभी वार करता हूँ। ऐसा मत कर, मैं छोड़ूंगा नहीं।
रुक जा ये ले और खतरनाक वाली लेजर्स वगैरह चला दूंगा, उसके बाद तो तेरा काम तमाम। आ जा सामने आ जा या फिर मैं ही घूम जाता हूँ। अरे घूम जा अगर हिम्मत है तो, मेरे को देख उसके बाद मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये ले खतरनाक वाली बीम खा। लगता है अब तो इसे छोड़ना नहीं, अब तो इसे खत्म ही करना पड़ेगा। रुक जा कहाँ है तू। अरे ये रहा तेरे सामने। रुक जा अब देख तेरा काम तमाम आयरन मैन के बच्चे। अरे तू वो सब छोड़ ये बता हल्क कहाँ है। हल्क वो तो खत्म हो गया बेट, ये कौन सी शक्ति लगा रहा है तू मेरे पे। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक आयरन मैन की शक्ति है जो कि तू कभी भी मेरे से छीन नहीं सकता है। क्या बोला, लगता है तेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है यार गाइस, इसके ऊपर तो मेरी कोई भी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। लास्ट टाइम तेरे को सबक सिखाया था लगता है तेरे को याद नहीं। अरे यार एक सेकंड दोबारा ट्राई करता। अरे यार ये सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ, वेट 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 ये कहाँ चला गया, कहाँ है। पीछे देख। पीछे पीछे कहाँ है। मैं तेरे पीछे हूँ। अरे यार एकदम से ये पीछे चला गया वेट। अरे नहीं अब तो मेरे को ये खत्म ना कर दे। ये ले खतरनाक मीटियर की बारिश से बच के दिखा। अरे यार इससे तो मैं बच जाऊंगा लेकिन मैं तेरी बत्ती सी जरूर तोड़ूंगा। रुक जा अभी मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। 3, 2, 1 अपने सुपर सोनिक स्पीड से। अरे नहीं अरे मेरी स्पीड को क्या हुआ। अरे अरे बचाओ। अरे अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया लगता है आयरन मैन मुसीबत में। अरे यार मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लावा गॉड तू मेरे सूट की शक्ति को छीनने की कोशिश कर रहा है, ये ले तेरे हाथ को तोड़ूंगा। अरे नहीं बचाओ बचाओ ये क्या हुआ। अरे बचाओ। मेरे पास जो भी आएगा उसकी सारी शक्तियों को मैं छीन लेता हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। अरे यार लगता है इसने मेरी शक्तियाँ छीनने की कोशिश की, भागना पड़ेगा। लेकिन इस बंदे ने तो अभी भी नहीं बताया कि हमारा हल्क कहाँ पे है। कोई बात नहीं लावा गॉड मैं तेरे को सबक जरूर सिखाऊंगा, अभी भी तेरे पास टाइम है, तू चाहे तो बता सकता लोकेशन है। नहीं बताऊंगा भाग जा। अरे यार उसने तो लोकेशन बताई नहीं। चलो कोई बात नहीं गाइस मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया लेकिन मैं इस लावा गॉड को सबक जरूर सिखाऊंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया हमारा आयरन मैन तो खाली हाथ ही आ रहा है। अरे यार क्या करूं उसने लोकेशन बताई नहीं मेरे को यार, वो सही में खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई तो तू मेरे को यार क्यों गिरा रहा है। अरे यार सॉरी सॉरी चॉप, लेकिन यार मेरे को तो लगता है कि ये लावा गॉड का बच्चा बिल्कुल भी लोकेशन नहीं बताने वाला। अरे यार तो हम लोग क्या करेंगे। अरे यार फ्रैंकलिन तू ही कुछ अपना दिमाग लगा। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे यार ये डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा कहाँ है। अरे वो तो अभी भी स्विमिंग पूल के ही अंदर है, पता नहीं यार वो कौन सी जादुई शक्ति लगा रहे हैं। अरे यार अगर उसे लोकेशन पता है तो उसे हमारी मदद करनी चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया अब क्या करें। अरे तुम लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आ गया और ये लो मैं गायब हो गया। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया वेट वो कहाँ चले गए। भाई सही में वो तो गायब हो गए। अरे ये लो मैं वापस आ गया। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया ये कौन सी जादुई शक्ति दिखा रहे हैं। भाई कभी पानी के अंदर जा रहा है ये डॉक्टर स्ट्रेंज और कभी पानी के बाहर आ रहा है। अरे तुम लोग मेरे को थोड़ा सा ध्यान लगाने दो क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से लावा गॉड के लोकेशन तक पहुंच सकता हूँ, जिस लोकेशन पे उसने हल्क को किडनैप करके रखा है उस लोकेशन का मैं पता लगा सकता हूँ। अरे ठीक है प्लीज यार आप पता लगाओ। गाइस देखो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल के पास ना बहुत सारी खतरनाक शक्तियां हैं, ये जरूर उस लावा गॉड के लोकेशन का पता लगा लेंगे। चलो ये देखो मैं आ गया, तुम लोगों को अब लोकेशन बताऊंगा। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया देख रहे हो। अरे हाँ गाइस हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज तो सही में लाजवाब है। चलो गाइस अब फटाफट से ये लोकेशन बता देगा उसके बाद हम लोग वहीं पे चलेंगे। चिंता मत करो उस लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोगों में से कोई भी उस लोकेशन पे नहीं जाएगा, नहीं तो वो तुम लोगों को भी किडनैप कर लेगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया ये देखो इन्होंने तो अपनी शक्तियां बढ़ा ली। अरे भाई सही बात है। अरे वाह देखो गाइस अभी दो हाथ थे, दो हाथ से तो ज्यादा हाथों में ये कन्वर्ट हो गया। अरे नहीं अब क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पे। अरे नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए फ्रैंकलिन भैया। अरे तू रुक जा यार डॉक्टर स्ट्रेंज एक काम कर हम सभी लोग साथ में चलेंगे। नहीं तुम लोगों के पास उतनी खतरनाक शक्तियां नहीं है जितनी खतरनाक शक्तियां मेरे पास हैं, इसलिए तुम लोग घर में सेफ रहोगे। अरे यार मैं भी जा सकता हूँ मैं आयरन मैन हूँ। नहीं तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारे पास भी कोई शक्ति नहीं है। चलो अब मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे नहीं हमेशा के लिए मत जाओ। अरे वापस आऊंगा चिंता मत करो, हल्क को ढूंढ के मैं वापस जरूर आऊंगा। अरे ठीक है प्लीज यार हल्क को ढूंढ के आना। अरे भाई कलवे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज यार तू रहने दे, अगर देख तेरे को थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो तू रहने दे वेट। ये तो चला गया। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया अब क्या करें। भाई मैं अभी बात ही कर रहा था उससे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज गायब हो गया, मेरे ख्याल से वो उसी लोकेशन पे गया है जिस लोकेशन पे हल्क किडनैप हुआ था। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो अगर वो गए भी हैं तो काश वो हल्क को ढूंढ के ले आए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप मेरे को बार बार गिरा रहे हो, सुबह से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे यार छिंचन प्लीज ऐसा मत कर, गलती से ठोकर लगी थी, कोई बात नहीं मैं तो सोच रहा हूँ अब हम लोग सो जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया। अरे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, तू एक काम कर तू भी जाके सो जा, अभी मस्ती मत कर और उन दोनों को भी बोल दे सोने के लिए। ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, लेकिन आप मेरे को कल प्लीज सुबह जल्दी उठा देना, उसके बाद हम लोग हल्क के पास जाएंगे ढूंढने के लिए। ठीक है जा अभी सो जा फटाफट से, बाहर बारिश हो रही है। तो चलो मैं फाइनली लोकेशन पे तो पहुंच गया, मेरे ख्याल से अभी फ्रैंकलिन चॉप वगैरह घर पे आराम से सो रहे होंगे। चलो मैं अब एक काम
काम करता हूँ, फटाफट से जाता हूँ और देखता हूँ कि हल्क आसपास है कि नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ से सिग्नल आ रहे थे बहुत खतरनाक। वेट, मेरे को दिख गया हल्क दिख गया। अरे हल्क सुनाई दे रहा है। अरे पीछे देख, इधर देख। अरे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, इसको इसके ऊपर जादुई शक्तियां इस्तेमाल की गई है। अरे हल्क सुन इधर देख। अरे बचाओ मेरे को। अरे यार हल्क सुनाई दे रहा तेरे को, बचाओ मेरे को, जल्दी से बचाओ। अरे यार हल्क को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है या फिर जादुई शक्तियों का शिकार हुआ है, मेरे को पता नहीं चल रहा। एक काम करता हूँ, मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। अरे भाग जा डॉक्टर स्ट्रेंज, वहां से भाग जा। अरे क्या बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, भाग जा जल्दी से, तेरे पीछे देख। अरे यार ये सुन नहीं पा रहा या फिर ये समझ नहीं पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे एक सेकंड, पीछे कौन है, पीछे कौन है, पीछे। तू मेरे जाल में फंसी गया। अरे 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 तू यहाँ कैसे आया, तू तो शहर के पास गया हुआ था ना। अरे नहीं, ये क्या किया तूने, तो मेरे को भी किडनैप कर लिया। इसी तरीके से मैं तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को किडनैप कर लूंगा और जादुई शक्तियों से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरे मैंने बोला था डॉक्टर स्ट्रेंज भाग जा। अरे मेरे को समझ ही नहीं आया। अब तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए कैद हो गए और मैं गायब। अरे नहीं, जल्दी वापस आ, डॉक्टर स्ट्रेंज तुझे बुला रहा है, तेरी चटनी बनाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। और तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे। स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और हल्क के पास पहुंच जाता है, लेकिन हल्क के बार बार मना करने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज उस जगह से भागता नहीं है और लावा गॉड अब इन दोनों को बंदी बना चुका होता है। और लावा गॉड ने इन दोनों को एक ऐसे पहाड़ पे रखा हुआ होता है जहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या फ्रैंकलिन और उसकी बाकी टीम हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा पाएगी या फिर नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी उठ जाओ यार, सुबह तक पता नहीं आप घोड़े बेच के सो रहे हो, अभी हल्क को भी ढूंढने जाना है, पता नहीं आप कब तक सोओगे। अरे यार उठ गया यार, बादल वादल तो हट गए। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, बादल हट गए लेकिन मौसम ना थोड़ा अजीब सा हो गया है। अरे नहीं, फिर से गिरा दिया फ्रैंकलिन भैया, छोड़ूंगा नहीं, वापस आओ। अरे यार भाग जाता हूँ यार, मैं पता है गलती से एक दो बार गिरा चुका हूँ शिनचैन को कल से ही। भाई शिनचैन सही में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होगा। अरे यार ऊपर आ जल्दी। अरे आ रहा हूँ यार, पता नहीं आयरन मैन क्यों चीख रहा है। अरे भाई जल्दी ऊपर आ जा यार कलवे। अरे यार जल्दी आना, तू पता नहीं कितने देर तक सोता है, हम लोग सुबह से ही बहुत ज्यादा टेंशन में। देख मौसम भी बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हो गया, ऐसा लग रहा है कि बर्फ बर्फ गिरी हो कहीं। अरे हाँ बात तो सही है, थोड़ा व्हाइट हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया यार, अकेले अकेले मजे कर रहे हो, कहाँ चलना है जल्दी बताओ। अरे यार शिनचैन तू भी सही में घोंचुई है, हम लोगों को हल्क को ढूंढने जाना है, मजे नहीं कर रहे हम लोग। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, तो जल्दी बताओ हल्क को कैसे ढूंढे। मैं तो कहता हूँ मैं एक सुपर हीरो बना देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि एक फोर हेडेड आइस गॉड बनाते हैं, क्यों फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, फटाफट से बना क्योंकि आइस गॉड ही हमें बचा सकता है। चलो गाइस फाइनली मैंने पेंट खोल लिया, फटाफट से यार ड्रॉइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। और भाई क्या बना रहा तू। अरे गाइस आज मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनाने वाला हूँ, ऐसा आइस गॉड बनाऊंगा जिसके एक नहीं दो नहीं टोटल फोर हेड्स यानी कि चार सिर होने वाले हैं। और भाई फोर हेड्स, अरे हाँ इसका मतलब यार हमारा शिनचैन जो है वो बनाने वाला है एक बहुत ही खतरनाक सा फोर हेडेड आइस गॉड, क्यों भाई शिनचैन। अरे बिल्कुल सही बात है फ्रैंकलिन भैया। अरे यार शिनचैन फटाफट से बनाना जरा, मैं भी तो देखूं क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं फोर हेडेड आइस गॉड देखूंगा। अरे आयरन मैन अंकल चिंता मत करो गाइस। अब भाई ये कैसा बना रहा तू। अरे यार ये तो आउटलाइनिंग के लिए अभी रफ स्केच ड्रॉ करा था, अब मैं फाइनल वाला आउटलाइन यहाँ पे देने वाला हूँ। ये देखो गाइस ये है फाइनल आउटलाइन। और भाई लेकिन इसके सिर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई दे रहे हैं। अरे हाँ अभी तो इसका एक ही सिर है, लेकिन अभी मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट मार के टोटल फोर हेड्स बना दूंगा, देख लेना तुम लोग। अरे भाई शिनचैन तू जो भी कर रहा है फटाफट से कर। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया। अरे भाई कहीं ऐसा ना हो तू जब तक ड्रॉइंग बनाए यहाँ पे वो लावा गॉड का बच्चा आ जाए। अरे चिंता मत करो यार, ये देखो मैंने एक कॉपी कर लिया है, अब इसको थोड़ा छोटा करते गाइस। अरे भाई कौन सा दिमाग लगा रहा है ये। अरे इसको करेंगे फ्लिप, इसको करेंगे इस वाले राइट साइड में। और गाइस दोबारा से कॉपी, दोबारा पेस्ट। और भाई लेकिन बीच में उसके हाथ भी तो आ रहे बहुत सारे। अरे गाइस तुम लोग चिंता मत करो, ये जो फोर हेडेड आइस गॉड है इसके सिर्फ दो हाथ होंगे, ठीक है। इसके चार सर तो होते हैं लेकिन हाथ सिर्फ दो होते हैं, तो बाकी जो बीच के हैंड्स हैं वो मैं रिमूव कर दूंगा। और भाई रिमूव कर देगा। अरे हाँ गाइस देखो कुछ इस तरीके से ये रिमूव हो गया ना, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो अब थोड़ा सा और इसको फिनिश
टच दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी रिमूव वगैरह कर देता हूँ, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा आउटलाइंस वगैरह वो सब कुछ हम रिमूव करेंगे और इसको थोड़ा सा बेटर लुकिंग फोर हेडेड आइस गॉड बना देंगे। और भाई बढ़िया लग रहा है यार वैसे तो। अरे चिंता मत करो यार, अभी तो ये और भी ज्यादा तगड़ा लगेगा जब इसके अंदर मैं असली कलाकारी करूंगा। और भाई असली कलाकारी? अरे हाँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अरे शिनचैन तूने तो ब्लैक बना दिया। अरे चिंता मत करो, अभी आइस गॉड की असली शक्ति यानी कि ब्लू वाली पावर्स डालते हैं। ये देखो गाइस, ये है खतरनाक आइस गॉड की शक्ति ब्लू वाली पावर्स, और ये भी हमने डाल दिया। अरे भाई एक ही में डाला तूने तो। अरे हाँ जब मैं डालना शिनचैन। अरे चिंता मत करो यार, आंखें तो बना दूं पहले। ओ माय गॉड काफी तगड़ा लग रहा है गाइस। ये देखो इसकी आंखें वगैरह मैंने रेडी कर दी है, और यहाँ पे एक आइस गॉड रेडी हो गया, दूसरा भी रेडी हो जाएगा क्योंकि देखो इसमें रैंडम लाइंस हमें बनानी होती है, रैंडम पावर्स देनी होती है, तो वो दूसरा वाला भी रेडी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, और यहाँ पे चौथा भी हो ही चुका है। अरे भाई लेकिन पावर्स तो डाल दे। अरे हाँ मैंने आइस वगैरह तो बना दिए थे, अब मैं पावर्स डाल देता हूँ। ये देखो गाइस अब आ रहा होगा असली मजा। अरे हाँ सही बात है, अब थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है ये। अरे शिनचैन मेरी गल से तूने तो यार कमाल कर दिया। अरे फ्रैंकलिन भैया अभी ये रियल लाइफ में आएगा ना, उसके बाद देखना फिर होगा असली कमाल। अरे हाँ शिनचैन तू फटाफट से बोला, क्योंकि गाइस जैसे ही ये फोर हेडेड आइस गॉड आएगा हम लोग इसकी मदद से उस लावा गॉड की बैंड बजा देंगे और हम अपने हल्क को बुला लेंगे। अरे हाँ बात तो सही है फ्रैंकलिन भैया। अरे यार जल्दी कर जल्दी शिनचैन। चलो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो ही गया, ब्लैक कलर बढ़िया लग रहा है। चलो देखते हैं 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो ये तो सही में रियल में आ गया। अरे भाई सही में ये तो यार बहुत ही ज्यादा खूंखार और बहुत पावरफुल लग रहा है। अरे मेरे को किसने बुलाया? अरे यार मैंने बुलाया मैंने, ये देखो देखो यार मैं नीचे हूँ। ठीक है वो तो देख ही पा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मैंने आपको धक्का दे दिया, कैसा लगा? मैं तो बहुत खुश हूँ, ये मजा आ गया। ओ माय गॉड अब हमारा हल्क भी वापस लौटेगा और अब वो वाला लावा गॉड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाइस अब हमारे पास एक आइस गॉड की नहीं टोटल 4-4 आइस गॉड की शक्तियां हैं। क्यों भाई आयरन मैन? अरे हाँ बात तो सही है, चलो बातचीत कर ले इससे। अरे यार लावा गॉड, अरे नहीं सॉरी मैंने गलती से तुम्हें लावा गॉड बोल दिया। अरे लावा गॉड का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं, खचूंबर बना देता। अरे हाँ तो यही काम तो तुम्हें करना है, मतलब लावा गॉड की चटनी बनानी है। देखो यार आइस गॉड मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो आइस गॉड तुम ध्यान से सुनना, हमारा एक फ्रेंड है तुम्हें भी पता ही होगा हल्क, तो उस हल्क को लावा गॉड के बच्चे ने किडनैप कर लिया है और पता नहीं उसके ऊपर कोई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उसने उसको एक ऐसे लोकेशन पे छुपा के रखा है जहां पे हम लोग बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहे। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज कल गया था लेकिन पता नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कुछ अता पता नहीं है, वो अभी तक लौटा नहीं है। तो तुम्हें बस ये काम करना है कि उस लावा गॉड के बच्चे तक पहुंचना है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और उसे खत्म करना है और लावा गॉड को हमेशा हमेशा के लिए धरती से खत्म करके भगा देना है, और साथ में हमारे हल्क को भी ढूंढना है और डॉक्टर स्ट्रेंज का भी पता नहीं चल रहा तो उन्हें भी ढूंढना है। तो तुम समझ गए? अरे मैं तो समझ गया, अब तुम ये बताओ कि मैं क्या तुम्हें अपनी शक्तियों का एक डेमो दूं? अरे अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हुआ, ये तो डेमो देने भी लग गया। अरे मैं जा रहा हूँ, डेमो देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी खतरनाक शक्तियां हैं, फोर हेडेड आइस गॉड जो ठहरा, अब मैं जा रहा हूँ उस लावा गॉड के लोकेशन पे क्योंकि मैं उस लोकेशन तक आसानी से पहुंच सकता हूँ। और तुम लोग याद रखना कि मैं जब तक वहां पे पहुंचूंगा तुम्हें भी पीछे पीछे पहुंचना पड़ेगा ताकि तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बचा सको और मैं उसे खत्म कर सकूं। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया बोल दो ना ठीक है। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हो रहा है? अरे यार ये तो कुछ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो गायब हो गया। चलो यार मेरे ख्याल से ये उस लावा गॉड के लोकेशन के पास पहुंच गया होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया तो एक काम करते हैं, हम लोग भी तैयारी करते हैं, गाड़ी वाड़ी निकालो फटाफट से। तो मैं पहुंच गया हूँ लावा गॉड के आमने सामने, तो लावा गॉड है मेरे सामने और अब लावा गॉड की बजेगी पुंगी। लावा गॉड कैसा है तू? तू आ गया, एक बार मेरे को बताया होता तो मैं भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फोर हेडेड लावा गॉड बन के बैठा इंतजार कर रहा होता, लेकिन तू तो बिन बुलाए आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी शक्तियों से कहां गया डर के भाग गया क्या फोर हेडेड आइस गॉड? सामने आ। अरे मैं तेरे सामने ही हूँ, रुक जा अभी वापस आता हूँ। ये तो सही में डरपोक है, मेरी शक्तियों का नाम लेते ही डर के भाग गया है, तू तो वापस आ गया। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी तो बोलती बंद हो गई, मैं बस तेरे को अपनी शक्तियों का डेमो दे रहा था, डेमो। तेरे पास गायब होने की शक्तियां थी, अब मेरे पास भी है, ये ले, कभी गायब कभी वापस आ जाता हूँ, कभी गायब हो जाता हूँ। ये शक्ति तूने कहाँ से सीखी? वो तो हम नहीं बताएंगे।
अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, मैं अपनी खतरनाक वाली शक्तियों से तेरे को खत्म कर दूंगा। उससे पहले तू हमें ये बता कि तूने कहाँ छुपा के रखा है हल्क को और कहाँ है वो डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा। ये ले, अब खतरनाक शक्तियों का सामना कर। अरे तेरी सारी शक्तियाँ मेरे सामने टिक नहीं सकती है। ये ले खतरनाक बीम। कौन सी शक्ति? ये वाली शक्ति डालता हूँ इस फोर हेडेड आइस गॉड पे। ये ले खतरनाक बीम। ये कौन सी शक्ति डाल रहा तू हम पे? कुछ नहीं बिगाड़ सकती तेरी ये शक्ति। रुक जा, आखिरी वाले को निशाना बनाते हैं। देख ये, अरे ये तो दूसरे पे निशाना लग गया, लेकिन अब पता चल गया हमारी शक्ति कितनी खतरनाक होती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? हमारा एक एक आइस गॉड बिल्कुल चखरा गया। हम लावा गॉड्स की शक्तियों के सामने तुम आइस गॉड्स बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। ये ले रात कर दिया मैंने एक ही झटके में। अरे मौसम को चेंज करना और समय को बदलना तो हमें भी आता है। हम चाहे तो और भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते तेरे पे लावा गॉड के बच्चे। तो कुछ नहीं कर सकता, रात में मेरी शक्तियाँ डबल ट्रिपल हो जाती है। अरे तू झूठ बोल रहा है, रात में किसी की भी शक्तियाँ डबल नहीं होती है। लेकिन अगर तुम्हें चांद दिखाई दे रहा होगा तो समझो मेरी शक्तियाँ डबल हो गई। अरे तो उस हिसाब से हमारी शक्तियाँ तो 4 times 8 times हो जाएंगी। लगता है तेरे को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सब छोड़, जल्दी से बता कहाँ है हमारा हल्क, कहाँ है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। ये ले, ये क्या किया तूने? अरे मैंने बोला था ना हम लोगों के अंदर भी शक्तियाँ हैं। हमने रात को शाम के मौसम में बदल दिया। चारों तरफ तू सूरज के नजारे देख सकता है। अब सूरज ढल रहा है, कोई भी चांद दिखेगा नहीं। ये क्या कर रहा है? ये है हमारी शक्ति, अब इस शक्ति से बच के दिखा। नहीं, ये तो काफी खतरनाक शक्ति लगती है। ये कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? ये है खतरनाक डिस्क, खतरनाक डिस्क जो कि तेरे को खत्म कर देगी और तेरे को 2 हिस्सों में बांट देगी। खतरनाक डिस्क की शक्ति नहीं बचाओ, लेकिन ये शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे बिगाड़ेगी, तेरे को खत्म कर देगी। अब देख तेरे साथ क्या होगा। कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या हुआ? अरे नहीं, अरे अरे मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अरे नहीं, लगता है शक्ति का असर हो रहा है। देखा देखा साथियों, हमने कमाल कर दिया। हम फोर हेडेड आइस गॉड हैं और एक ही झटके में हमने इस लावा गॉड के बच्चे को खत्म कर दिया। इतना आसान था तुझे खत्म करना? तुम्हें लगता है कि इतना आसान था, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। मैं लावा गॉड हूँ, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा खुखार। तुम मेरे को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये देखो, मैं प्लेन को भी अपने पास बुला सकता हूँ और अब अपनी इस खतरनाक घूमने की शक्ति से तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे घूमने की शक्ति से तो हमें कुछ हुआ ही नहीं। ये लो, अब होगा। नहीं, हमारे पैर के पास नहीं। अरे नहीं, बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ। क्यों, सबक मिल गया? अरे सबक तो तेरे को मिलेगा, लेकिन तू मेरे को बता क्यों नहीं रहा है कि हमारा हल्क और हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है? वो तो खत्म हो गए। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहा है? बचाओ। अरे नहीं, अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अरे 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 नहीं, हम भी खड़े नहीं हो पा रहे। अरे हमारी शक्तियां कम हो रही है। अरे बचाओ, अरे अरे क्या करें? अरे आ, 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 अब सही है। हमको इतना कमजोर समझाए क्या? अरे नहीं, लगता है तेरी शक्तियों का भी असर हमारे ऊपर हो रहा है, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि तेरे को हम यूं ही जाने दे, समझा क्या? अब लो मैं भी खड़ा हो गया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि तुम मुझे खत्म कर सको। अरे तुम लोग रेडी हो गए? अरे फ्रैंकलिन भैया, हम तो कब से रेडी हैं, जब से आपने गाड़ी यहाँ पे लगाई है तब से रेडी हैं। फटाफट से चलो यार, फोर हेडेड आइस गॉड ने बुलाया था हमें। अरे हाँ सही बात है यार, सनसेट वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया और हम लोग निकले नहीं। अरे यार जल्दी भगा ले गाड़ी को। अरे भाई कलवे प्लीज यार जल्दी भगा, मैं चाहता हूँ हम लोग फटाफट से पहुंचे और हल्क को बचा ले। अरे फ्रैंकलिन भैया, डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल का भी तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि देखो डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल ना कल ही रात में गए थे। अगर उनको वो हल्क मिल गया होता तो वो हल्क को बचा के वापस ले आते। अरे भाई मेरे को तो लग रहा है यार, डॉक्टर स्ट्रेंज को भी तो नहीं पकड़ लिया उस लावा गॉड के बच्चे ने। अरे हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि उस लावा गॉड के बच्चे ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी किडनैप कर लिया हो। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करें? अरे तुम लोग शांत रहो यार, मेरे को बस ड्राइविंग पे फोकस करने दो, हम फटाफट से पहुंचते हैं उस लावा गॉड के पास। वेट गाइस, ये क्या देख लिया मैंने? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो लावा गॉड है और साथ में हमारा फोर हेडेड आइस गॉड भी है।
अरे गाइज ये देखो हम लोग जा ही रहे थे यहाँ से और हमने नोटिस कर लिया कि ये दोनों तो फाइट कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया इधर छुपने से कुछ नहीं होगा, वो इधर नहीं आएगा। अरे हाँ बात तो सही है, वेट यहाँ पे खरगोश वगैरह भी घूम रहे, पता नहीं, छोड़ो यार। लेकिन हम लोगों को भाई उनके पास पहुंचना है, लोकेशन तो वही है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप लोकेशन वगैरह पता चल गई है तो फटाफट से चलो ना, आइस गॉड ने बुलाया भी था। ठीक है गाइज चलो चलो फटाफट से ड्राइव वगैरह करते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं वहां पे, क्योंकि गाइज हम लोगों को किसी भी हाल में अपने हल्क को बचाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो यार, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फोर हेडेड आइस गॉड है वो तब तक उस लावा गॉड को खत्म करेगा और पीछे से हम लोग जाएंगे उस लोकेशन पे और उसके बाद अपने हल्क को बचा लेंगे। और भाई अगर वहां पे ना डॉक्टर स्ट्रेंज अंकल होंगे तो उनको भी बचा लेंगे। ठीक है बहुत अच्छा आइडिया। फ्रैंकलिन भैया ये कहां से जा रहे हो? अरे यार ये शॉर्टकट है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। चलो गाइस ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से आराम से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलो गाइस फाइनली ये देखो हम माउंटेन के पास तो पहुंच गए हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया हम तो कुछ ज्यादा ही पास पहुंच गए, कहीं लावा गॉड हमें देख ना ले। अरे यार लावा गॉड देखेगा भी तो सामने देखना, फोर हेडेड आइस गॉड है भाई, वो फोर हेडेड आइस गॉड का सामना नहीं कर सकता, समझा? तो इसलिए हम बिल्कुल सेफ है। अरे हाँ बात तो सही है। अरे फ्रैंकलिन ये तो बता कि आगे का प्लान क्या है? अरे प्लान तो गाइस कुछ भी नहीं है, अभी ना इन दोनों की फाइट देखते हैं। लगता है तेरे दोस्त लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मेरे को पता चल गया। अरे तेरे को पता चल गया? अरे भाई मेरे दोस्त लोग तो इस शहर में ही नहीं है। कितना झूठ बोलेगा। ये ले पहले ये खतरनाक शक्ति का सामना कर। ये कौन सी शक्ति है? अरे नहीं ये तो स्टार ब्लास्ट है। अरे बहुत सारी शक्तियों का ये मिक्सचर है, तेरे को आज हम खत्म करके ही रहेंगे, तेरे को दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद देखियो क्या होगा। तुम मेरे टुकड़े नहीं कर सकते, मैं कभी भी दो तीन हिस्सों में नहीं बट सकता हूँ। मैं बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल एक ऐसा लावा गॉड हूँ जो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या बोला? कभी खत्म नहीं हो सकता? रुक जा, हम तेरे पे ऐसी ऐसी खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे जिससे तू कभी बच ही नहीं पाएगा। ये देख ये खतरनाक शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तू इससे नहीं बच सकता। ये कौन सी शक्ति है? अरे इसका असर नहीं हो रहा मेरे पे। ये ले और खतरनाक शक्ति, अब आएगा तेरे को असली मजा। ये क्या कर रहा है? अरे इस जगह से हम तेरे को दो हिस्सों में बांट देंगे। नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो हमारा जो आइस गॉड है वो तो इसको दो हिस्सों में बांटने की टेक्निक यूज कर रहा है। ये क्या हुआ? अरे नहीं बचाओ, मैं दो हिस्सों में कैसे बट गया? बोला था ना कि हमारे पास ऐसी खतरनाक शक्तियां हैं जो कि तेरे आराम से दो हिस्से कर सकती है। अब तू बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, तेरा पैर एक तरफ और तेरा बाकी शरीर एक तरफ। अब तू थोड़ी ही देर में पानी में डूब जाएगा। बोला था ना हम फोर हेडेड आइस गॉड है, फोर हेडेड आइस गॉड से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जल्दी से बता तूने क्या सीखा आज के फाइट से? फाइट से ये सीखा कि हम बहुत पावरफुल है और तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो दो हिस्सों में बटने के बावजूद वो क्या बोल रहा है? बात तो सही है गाइस, मतलब ये लावा गॉड का बच्चा सही में बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, मतलब अभी भी घमंडी है, अभी भी उसे लग रहा है कि वो जीत सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो दो हिस्सों में बट गया, अब एक काम करते हैं हम लोग यार, चलते हैं फटाफट से अपने हल्क को बचाने। अरे कहां है हल्क जल्दी बताओ ना फ्रैंकलिन भैया। अरे यार मेरे को इधर तो नहीं दिख रहा हल्क, मेरे ख्याल से यार कहीं आगे ना हो। अरे फ्रैंकलिन भैया गाड़ी भगाओ फिर आगे चलते हैं। अरे भाई साहब सही में कलुए यार आगे हो सकता है, लेकिन आगे अगर नहीं मिला तो? अरे तुम लोग चिंता मत करो यार, मैंने आइस गॉड से पता कर लिया था, मेरे ख्याल से वो आगे होगा और हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन यहाँ पे भी तो मेरे को हल्क दिख नहीं रहा। अरे भाई क्या करना चाह रहा है यार कलुए? अरे तुम लोग यार अभी पिकअप ट्रक में ही रहना, तुम लोग कहीं मत जाना। अरे फ्रैंकलिन भैया छोड़ के अकेले मत जाओ। अरे चिंता मत करो, वेट गाइस मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे को कुछ दिख रहा है गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया? ओ माय गॉड ये तो हल्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को भी दिख गया वो दोनों। अरे गाइस मैं समझ गया, मैं पूरी गेम समझ गया भाई, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आया होगा हल्क को बचाने, लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उस लावा गॉड के बच्चे ने किडनैप कर लिया था। वेट एक काम करता हूँ यार, ये दरवाजा भाई ये कैसा दरवाजा है? ये ब्लॉक कर दे रहा है, मेरे को आगे जाने नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ गाइस इस दरवाजे को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरी मुंडी ना टूट जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले साइड हट जाओ, वो अपने आप खुल जाएगा। ठीक है गाइस ठीक है, तुम लोग वहीं पे वेट करना। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया। अरे यार जल्दी आ जाइयो। अरे ठीक है गाइस आ जाऊंगा, एक सेकंड, ये दरवाजा खुलता है क्या? मैं ऊपर चला जाऊंगा तो उसके बाद मैं आसानी से दोनों को बचा सकता हूँ। वेट ये दरवाजा तो खुलता नहीं, यहाँ पे काफी मैंने लात घुसे बरसा दिए लेकिन ये खुल नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से ये विंडो खुलती होगी। अरे यहाँ पे भी मेरे को कुछ खोलने की खिड़की विड़की सी नहीं दिख रही या कुंडी उंडी नहीं दिख रही। एक काम करता हूँ गाइस इधर कुछ ढूंढता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया यार जल्दी आओ ना। अरे हाँ शिंचन आ रहा हूँ। अरे तेरे में इतना घमंड है कि मैंने तेरे को दो हिस्सों में बांट दिया फिर भी तू इतना फालतू बोल रहा है। दो हिस्सों में बांट के तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, अब देखना क्या होगा। क्या होगा? तेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। ये क्या हुआ, तेरा दूसरा हिस्सा कहाँ गायब हो गया? तुम जितने हिस्सों में हमें डिवाइड करोगे वो हिस्सा
एक खुद का लावा गॉड बन जाएगा। अरे अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, वो लावा गॉड कहाँ चला गया? हे हे हे, अब वो एक दूसरा लावा गॉड बन चुका है। अरे ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे हे हे, और अब मैं भी पावरफुल लावा गॉड हूँ, और अब मेरे पास दो दो लावा गॉड्स हैं तुम्हारी मदद से। हे हे हे, अगर तुमने मेरे और भी हिस्से किए तो मैं उतने ही हिस्सों में डिवाइड होके लावा गॉड बन जाऊंगा। ये लो, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं था, मैं नाटक कर रहा था। अरे नाटक कर रहा था, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हे हे हे, अब देर हो चुकी है, तुम्हारे दोस्तों को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला, हमारे दोस्तों को? हे हे हे, दूसरा लावा गॉड तुम्हारे दोस्तों के पास गया है उसे सबक सिखाने, और मेरे हिसाब से तो वो लावा गॉड तुम्हारे सारे दोस्तों को किडनैप करने वाला है। अरे क्या बोला, तब तो हम तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। हे हे हे, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बहुत बेजान नकली आइस गॉड हो। हे हे हे, चार हेड होने का भी कोई फायदा नहीं मिला तुम्हें। अरे तू बहुत फालतू बोल रहा है। साथियों क्या बोलते हो, इसके ऊपर खतरनाक पावर का यूज करें? हे हे हे, कुछ भी कर लो, अब तुम लोगों का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि समय बर्बाद हो चुका है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दिखाता हूँ अपनी शक्ति। अरे अरे, ये कौन सी शक्ति है? हे हे हे, ये ऐसी शक्ति है जिससे तुम लोग भी बच नहीं सकते। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, बचाओ। अरे अरे नहीं, अरे हमारा एक साथी, अरे एक साथी हमारा। अरे अरे अरे, रुक जा, अपनी शक्तियों से उसे ठीक करते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेजान हो। अरे ये क्या किया तूने, फिर से रात कर दी। मेरे हाथ में तो खतरनाक पावर्स है, मैं जब मर्जी जो मर्जी कर सकता हूँ, और अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। कौन सा टाइम आ चुका है? तुम्हारे दोस्तों को खत्म करने का टाइम। दूसरा लावा गॉड अपना काम कर देगा। अरे छोड़ेंगे नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ यार, जल्दी। अरे भाई कलवे क्या कर रहा है? अरे चिंता मत करो यार, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ दरवाजा खुल जाए या खिड़की तोड़ के मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों को बचाना भी तो है। अरे यार जल्दी आ जा भाई, रात भी हो चुकी है। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ यार, मेरे को डर लग रहा है। अरे भाई कलवे जल्दी आ जा यार, पीछे देख यार, चिंचन पीछे देख। अरे नहीं, अरे नहीं देखना, नहीं देखना। अरे नहीं, ये क्या देख लिया फ्रैंकलिन भैया मैंने? तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम लोग बच जाओगे? अरे फ्रैंकलिन भैया प्लीज आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे चिंता मत करो यार, मैं आ रहा हूँ, बस एक बार इन दोनों को बचा लूँ, नहीं तो यार गड़बड़ हो जाएगी, कहीं वो लावा गॉड यहाँ पहुंच के इन दोनों को वापस गायब ना कर दे। चलो यार मैं क्या करूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। गाइस एक काम करो, आप लोग तब तक जाकर वीडियो को लाइक करो अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो, साथ ही में नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में लिख देना। और गाइस मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ कि हम लोग हल्क को कैसे बचाएंगे और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कैसे बचाएंगे। तो आप लोग अपना काम करो, फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना।